Welcome on my YouTube channel Comptaria. In the previous lecture of PGT Sociology and GIC Pravakta Sociology, we discuss about Sociology of Revolution. Now, before wasting our time, we will start our new lecture, Talcott Parsons. अमेरिकी समाजशास्त्र के भीष्म कहे जाने वाले पार्सन्स उन प्रख्यात समकालीन समाजशास्त्रियों में से एक हैं जिन्होंने समाजशास्त्री ज्ञान को विस्तृत, परिशुद्ध और परिमार्जित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। सामाजिक क्रिया, व्यवस्थापक विषयक आपके सिद्धांत से प्रभावित होकर अनेक समाजशास्त्रियों ने कालांतर में सामाजिक क्रिया को ही अपना अध्ययन क्षेत्र चुना। पार्सन्स ने 1924-25 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हाब हाउस, जिन्सबर्ग और मेलिनोवस्की के साथ रहकर समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का अध्ययन किया। पार्सन्स की प्रमुख रचनाएं एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1949, द सोशल सिस्टम 1951, टुवर्ड्स अ जर्नल थ्योरी ऑफ एक्शन 1953, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंट्रैक्शन प्रोसेस 1955 एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937। समाजशास्त्र में पार्सन्स का योगदान, समाज की अवधारणा, सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूप, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, प्रकार्यवाद, सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत, विसंगति या नियमहीनता की अवधारणा, सामाजिक नियंत्रण के साधन, सामाजिक व्यवस्था संबंधी AGIL प्रारूप, सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूप। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के चार प्रमुख प्रारूपों का उल्लेख किया है, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। यह वर्गीकरण चार सामाजिक मूल्यों पर आधारित है, सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य और प्रदत्त सामाजिक मूल्य। ऐसे मूल्य जो सभी समाजों में व्यापक रूप से फैले होते हैं और सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं को सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य कहते हैं। जो मूल्य किन्हीं विशेष सामाजिक संबंधों पर आधारित होते हैं विशिष्ट सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। अपने प्रयत्नों द्वारा प्राप्त किए गए पदों में जो मूल्य पाया जाता है उसे अर्जित मूल्य कहते हैं। परंपरा द्वारा निर्धारित पदों से संबंधित मूल्य प्रदत्त सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। पार्सन्स ने औद्योगिक समाजों की संरचना को सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान का उदाहरण माना है। इस प्रकार के समाजों में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। आधुनिक विज्ञान प्रधान समाज सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान का उदाहरण है। पार्सन्स ने प्राचीन भारतीय व चीनी सामाजिक संरचना को विशिष्ट अर्जित प्रतिमान की श्रेणी में रखा है। इस प्रकार की सामाजिक संरचना में परिवार, वंश, गांव आदि का अधिक महत्व पाया जाता है। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत कन्फ्यूशियन चीनी सामाजिक संरचना भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। पार्सन्स के अनुसार स्पेन की सामाजिक संरचना विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान की श्रेणी में आती है। इसमें व्यक्तिगत गुणों को अधिक मान्यता दी जाती है, फलस्वरूप व्यक्तिवादिता का विकास होता है। सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक तत्वों में पार्सन्स ने चार तत्वों का उल्लेख किया है, नातेदारी व्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण, शक्ति व्यवस्था और धर्म व मूल्य संगठन। थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन
पार्सन्स ने इस अवधारणा का उल्लेख स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक अपनी कृति में किया है। इस पुस्तक में पैरेटो, दुर्खाइम और मैक्स वेबर के क्रिया संबंधी सिद्धांतों की समीक्षा की गई है। पार्सन्स ने क्रिया की नवीन समन्वयात्मक व्यवस्था को चार तत्व बताए हैं, वंशानुक्रम, वंशानुक्रमण और पर्यावरण, साधन और साध्य, अंतिम मूल्य एवं उद्योग या प्रयत्न। किसी भी सामाजिक क्रिया की व्यवस्था के तीन आधारों का उल्लेख किया जाता है, कर्ता, परिस्थिति एवं प्रेरणा। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया व्यवस्था के तीन आधारों का उल्लेख किया है, व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज व्यवस्था। फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। पार्सन्स ने द सोशल सिस्टम 1951 में प्रकार्यवादी अवधारणा प्रस्तुत की है। इसे विकसित करने में आपने मेलिनोवस्की, पैरेटो, दुर्खाइम के प्रकार्यात्मक सिद्धांतों के कुछ विशिष्ट तत्वों को ग्रहण किया। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। पार्सन्स ने सामाजिक स्तरीकरण के तीन आधार बताए हैं, गुण, व्यवहार कुशलता और मिल्कियत। पार्सन्स ने केंद्रीय मूल्य प्रतिमानों को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से चार भागों में बांटा है। इसे एजिल प्रारूप कहा जाता है, AGIL। इन्हें वे प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता भी कहते हैं, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण एवं प्रतिमान स्थिरता। रॉबर्ट के मर्टन, समकालीन समाजशास्त्री विचारधारा को अपने पांडित्यपूर्ण अध्ययनों और कृतियों से समृद्ध करने वालों में एक नाम रॉबर्ट के मर्टन का भी है। मर्टन पार्सन्स के शिष्य थे। पार्सन्स के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद मर्टन को उन्हीं के स्थान पर नियुक्ति मिली। मर्टन की प्रमुख कृतियों में साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस एवं सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। मर्टन की अन्य विद्वानों के साथ लिखित पुस्तकों में सोशियोलॉजी टुडे, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, रीडर इन यूरोक्रेसी, कॉन्टिन्यूटीज इन सोशल रिसर्च, द फ्रीडम टू रीड प्रोस्पेक्टिव एंड प्रोग्राम। मर्टन के प्रमुख समाजशास्त्री सिद्धांतों में मध्य अभिसीमा का सिद्धांत, सामाजिक संरचना, नियमहीनता, मर्टन का संरचनात्मक प्रकार्यवाद, प्रकट और अप्रकट प्रकार्य संदर्भ समूह की अवधारणा। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत, समाजशास्त्री अध्ययन पद्धति में दो अध्ययन पद्धति अधिक लोकप्रिय है, बृहद या विस्तृत दृष्टिकोण, लघु या सूक्ष्म दृष्टिकोण। मध्य अभिसीमा सिद्धांत इन दोनों के बीच की स्थिति है। यदि हम एक और दिन प्रतिदिन के शोध कार्य में उपयोगी छोटी मोटी प्राकल्पनाओं को रखें और दूसरी ओर एक साथ अनेक सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने वाले समन्वित सिद्धांतों को रखे तो मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों का स्थान इन दोनों के बीच में होगा। मध्य अभिसीमा की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय रॉबर्ट के मर्टन को है। उन्हीं के शब्दों में, मध्य अभिसीमा के सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो कि एक ओर दिन प्रतिदिन के शोध में प्रचुर मात्रा में प्रकट होने वाले लघु किंतु जरूरी कार्यनिर्वाही प्राकल्पनाओं एवं दूसरी ओर सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संगठन व सामाजिक परिवर्तन में समस्त निरीक्षित
समानताओं की व्याख्या करने वाले एक समन्वित सिद्धांत को विकसित करने हेतु सब कुछ को सम्मिलित करते हुए किए गए अव्यवस्थित प्रत्ययों के बीच में स्थित होते हैं। जोनाथन एच टर्नर ने मध्यस्थरी सिद्धांत की विशेषताओं में बताया है कि आनुभविक आधार मध्यस्थरी सिद्धांत अमूर्त होते हैं, सामान्यीकरण में नियमितता होती है। मध्यस्थरी सिद्धांत बृहद सिद्धांत और लघु प्रकल्पनाओं के मध्य होते हैं। सामाजिक संरचना एवं विसंगति या नियमहीनता सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी सामाजिक संरचना के स्वरूप या प्रकृति का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कार्यों पर पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक संरचना का एक अंग होता है। यह प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार उस रूप में प्रकट हो जिसकी उससे अपेक्षा न की गई हो। इस अस्वाभाविक अवस्था या स्थिति को ही मोटे तौर पर विसंगति की संज्ञा दी गई है, जिसे प्रतिमाहीनता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इमाइल दुर्खाइम ने एनोमी की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे मर्टन के पूर्णतः विकसित किया और विचलन के रूप में प्रस्तुत किया। मर्टन के अनुसार जब सामाजिक संरचना की कोई असंतुलित अवस्था व्यक्ति पर एक प्रकार का निश्चित दबाव डालती है और व्यक्ति सामाजिक आशाओं के प्रतिकूल आचरण करता है तो उस स्थिति को विसंगति कहते हैं। मर्टन ने विसंगति या नियमहीनता के लिए उत्तरदायी तत्वों को सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के संदर्भ में खोजने का प्रयास किया। मर्टन के अनुसार जब सांस्कृतिक लक्ष्य और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के संस्थागत साधनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तभी व्यक्ति का आचरण विसंगतिपूर्ण होता है। मर्टन में समरूपता के अलावा विचलन की चार स्थितियों का उल्लेख किया है। नवाचार मीन्स इनोवेशन, संस्कारवाद रिचुअलिज्म, प्रत्यावर्तनता रिट्रियलिज्म एंड विद्रोह रेबेलियन। मर्टन का संरचनात्मक प्रकार्यवाद, मर्टन ने अपने प्रकार्यवाद की अवधारणा रेडक्लिफ ब्राउन, मेलनोवास्की, क्लाइड क्लूखॉन आदि मानव शास्त्रियों से ग्रहण की। मर्टन ने प्रकार्य शब्द के पांच अर्थ बताए हैं। प्रकार्य सार्वजनिक उत्सव या सम्मेलन के रूप में, प्रकार व्यवस्था के रूप में, प्रकार एक सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप के रूप में। गणित शास्त्री प्रकार एवं व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक प्राणी शास्त्री या सामाजिक कार्य प्रणालियों के रूप में प्रकार। मर्टन ने प्रकार के दो आधारभूत अर्थों को बताया है, एक सावयवी व्यवस्था के रूप में, एक सावयवी व्यवस्था के अंतर्गत किसी लक्ष्य उद्देश्य आदि के परिणाम के रूप में प्रकार। मर्टन के अनुसार वास्तविक स्थिति यह है कि कुछ सामाजिक इकाइयों के कार्य प्रकार्यात्मक होते हैं, कुछ के नकारात्मक और कुछ के प्रकार पूर्णतया अकार्यात्मक। मर्टन द्वारा उल्लिखित प्रकार्यात्मक विश्लेषण के संदर्भ में पांच अवधारणाएं प्रकार्यात्मक, दुष्प्रकार्य, अप्रकार्य, प्रकट प्रकार्य, अप्रकट या अंतर्निहित प्रकार्य, प्रकार्य प्रकार्य वे निरीक्षण परिणाम हैं जो एक व्यवस्था या सामंजस्य को संभव बनाते हैं। अकार्य अकार्य वे निरीक्षण परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन और सामंजस्य को कम करते हैं। प्रकट प्रकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो व्यवस्था में सामाजिक आयोगों के द्वारा मान्य तथा इच्छित होते हैं। अप्रकट या अंतर्निहित प्रकार्य न तो मान्य होते हैं और न ही इच्छित, या ऐसी स्थिति या परिणामों को उत्पन्न करता है जिसके विषय में उस प्रकार को करने वाले से न कभी सोचा और न ही उसकी इच्छा की थी। मर्टन ने प्रकट और अप्रकट, अप्रकट का मतलब अंतर्निहित प्रकारों के बीच पाए जाने वाले अंतर को निम्न आधारों पर महत्वपूर्ण माना है। यह अतार्किक दिखने वाले सामाजिक प्रतिमानों के
विश्लेषण को स्पष्टता प्रदान करता है। यह अंतर हमारे ध्यान को सैद्धांतिक रूप से उपयोगी अनुसंधान के क्षेत्रों की ओर निर्देशित करता है। इसने हमारे सामाजिक ज्ञान में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इस अंतर का एक संरचनात्मक महत्व भी है। नाउ द रेफरेंस ग्रुप्स सामान्यतः एक ऐसे समूह को संदर्भ समूह की संज्ञा दी जाती है जिनके साथ एक व्यक्ति अपना समीकरण बिताता है, समीकरण बिठाता है अथवा समीकरण बिठाने की आकांक्षा रखता है तथा जिसके अनुसार एक व्यक्ति अपने मूल्यों, विश्वासों, मनोवृत्तियों को ढालने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। संदर्भ समूह व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, मनोवृत्ति के निर्धारण की अहम भूमिका निभाते हैं। ये समूह व्यक्ति के व्यवहार के लिए एक मानक अथवा आदर्श समूह का कार्य करते हैं जिनकी सदस्यता हेतु वह लालायित रहता है। सदस्यता समूह की तरह संदर्भ समूह का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु व्यक्ति ऐसे समूह की सदस्यता प्राप्ति के लिए आकांक्षी अवश्य हो सकता है। एक संदर्भ समूह किसी व्यक्ति का सदस्यता समूह भी हो सकता है। संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 में हाइमेन ने किया था। अमेरिकन सैनिकों के विस्तृत अध्ययन के आधार पर सैमुअल स्टाउफर द्वारा लिखित द अमेरिकन सोल्जर नामक कृति के आधार पर मर्टन और रोसी ने संदर्भ समूह की अवधारणा की व्याख्या की है। संदर्भ समूह के बारे में मर्टन ने निम्न विचार व्यक्त किए हैं। अंतः समूह या सदस्यता समूह संदर्भ समूह के रूप में बहुल संदर्भ समूह जिसमें परस्पर विरोधी संदर्भ समूह और निरंतर संपर्क वाले संदर्भ समूह, दूसरे विशिष्ट समरूपता और असमानता, गैर सदस्यता समूह, सकारात्मक व नकारात्मक संदर्भ समूह, संदर्भ व्यक्ति या समूह का चुनाव। संदर्भ व्यक्ति का चुनाव आदर्श भूमिका के आधार पर किया जाता है। संदर्भ समूह का चुनाव सामाजिक जीवन में अपने को अधिक प्रतिष्ठित देखने की इच्छा से प्रेरित होता है। संदर्भ समूह के प्रकार्यात्मक पक्ष, मर्टन के अनुसार व्यक्ति का प्रत्याशित समाजीकरण की दिशा में संदर्भ समूह का प्रकार उल्लेखनीय है। बी मैलिनोवस्की, मैलिनोवस्की की प्रमुख पुस्तकों में आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, क्राइम एंड कस्टम इन सेवे सोसाइटी, सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवे सोसाइटी, कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, मैलिनोवस्की का महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय योगदान, संस्कृति का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, जादू धर्म और विज्ञान, आर्थिक व्यवस्था, सामान्य प्रकारवाद। संस्कृति का सिद्धांत, मैलिनोवस्की के लिए अनियमित रूप से संस्कृति में विश्वास में मिली कला, वस्तुएं, तकनीकी प्रक्रिया, विचार, आदत और मूल्य समाविष्ट होते हैं। सामाजिक संगठन भी संस्कृति के विहद व्यवहार से संबंधित होते हैं। ये संस्कृति का एक भाग होता है और संस्कृति के बिना सामाजिक संगठन को समझ पाना मुश्किल है। मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति के तीन प्रमुख पक्ष हैं। संस्कृति एक समन्वित प्रकार्यात्मक सर्वयोग है। संस्कृति के पक्षों का पृथक अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें उनकी उपयोगिता के संदर्भ में समझा जा सकता है। संस्कृति का एकात्मीकरण सदैव मनुष्य के सामाजिक परंपरा से संबंधित होता है। आवश्यकता का सिद्धांत, मैलिनोवस्की ने अपनी पुस्तक ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में संस्कृतियों के निर्माण में प्राणिशास्त्रीय आवश्यकता पर जोर दिया है, क्योंकि मनुष्य अनियमित रूप से अपने सावयव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य करता है तो वह सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था के प्रतिमान का सृजन करता है जो नई आवश्यकताओं को उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार मैलिनोवस्की ने जैविक, सामाजिक, संरचनात्मक और सांकेतिक आधार पर आवश्यकताओं के तीन प्रकारों का उल्लेख किया है। पारस्परिक, आर्थिक व्यवस्था एवं कुला।
मैलनोवस्की ने प्रत्यक्ष रूप में अनुष्ठानिक किंतु अप्रत्यक्ष रूप में प्रगाढ़ भावनाओं से लिपटे हुए मैत्री संबंधों को परिपुष्ट करने वाली विनिमय प्रणाली कूला का विश्लेषण भी किया है। ये एक ऐसी विनिमय प्रणाली है जिसमें सामान्य विशुद्ध उपयोगी वस्तुओं के विनियम प्रणाली में धार्मिक अनुष्ठानों का भी महत्व होता है। अप्रत्यक्ष रूप में इस चक्रीय विनिमय प्रणाली में मैत्री के घनिष्ठ संबंध और पारस्परिक सद्भावना परिलक्षित होती है। यह प्रथा ट्रोबियांडा द्वीप समूह के निवासियों में देखने को मिलती है। कूला विनिमय की अनुष्ठानिक उपहारों के आदान प्रदान की इस व्यवस्था में मैरिनेशिया में एक दूसरे से भिन्न भाषा एवं संस्कृतियों वाले लोग तथा महासागरों में सैकड़ों मील की दूरी में फैले हुए लोगों के मध्य क्रम हमेशा चलता रहता है। मैलनोवस्की का प्रकार्यवाद। मैलनोवस्की का मत है कि यह पद्धति के रूप में प्रकार्यवाद अत्यंत प्राचीन है। इसका संबंध प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति के स्पष्ट ज्ञान से है। विवाह और परिवार, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक उद्योग अथवा वैधानिक प्रक्रिया की प्रकृति और सांस्कृतिक यथार्थवाद क्या है, इसका पता प्रकार्यवाद के विवेचन से लगता है। रैडक्लिफ ब्राउन 1881-1955। ब्राउन की प्रमुख पुस्तकों में द अंडमान आइलैंडर्स 1922 एंड सेकंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952। ब्राउन का महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय योगदान, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की विधि, सामाजिक संरचना पर विचार, ब्राउन का प्रकार्यवाद, संरचनात्मक प्रकार्यवाद, नातेदारी और विवाह, सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्राणी एक पूर्णता है। उन्होंने सामाजिक जीवन की तुलना प्राणी शास्त्रीय जीवन से की है। प्राणी के सारे भाग पूर्णता के अंग हैं और ये एक दूसरे से संबंधित है। जो व्यवस्था इन अंगों को एक दूसरे से संबद्ध करती है वो प्राणी शास्त्रीय संरचना कहलाती है। इससे स्पष्ट है कि प्राणी स्वयं संरचना नहीं बल्कि कोषों का अणुओं का एक जोड़ है जो एक निश्चित संरचना में जुड़े हुए हैं, जिसे प्राणी की संरचना कहते हैं। संरचना इकाइयों के बीच संबंधों का प्रकार है। प्राणी की भांति समाज भी होता है, समाज की भी संरचना होती है। सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों का जटिल जाल है। ब्राउन ने कहा है कि सामाजिक संरचना की इकाई महत्वपूर्ण अंग मनुष्य है। मनुष्य के ही परस्पर संबंधों पर सामाजिक संरचना आधारित संरचना स्वयं तो स्थायी है, लेकिन इसके तत्व और इकाई परिवर्तित हो सकते हैं। समाज में नए सदस्यों के आगमन से नई संस्थाओं का जन्म होता है, लेकिन सामाजिक संरचना का स्थायित्व इससे प्रभावित नहीं होता है। ब्राउन का प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। ब्राउन लिखते हैं कि प्रकार का प्रत्यय सामाजिक जीवन और प्राणी शास्त्रीय जीवन के बीच समानता पर आधारित है। उन्होंने स्पष्टतः प्रकार्यवाद और जीववाद के मध्य के संबंध को स्वीकार किया है। इसी का प्रारंभिक स्वरूप दुर्खाइम ने 1895 में दिया था। ब्राउन के अनुसार दुर्खाइम ने सामाजिक संस्थाओं के कार्य को सामाजिक प्राणी की आवश्यकताओं की संतुष्टि के रूप में परिभाषित किया है। रैडक्लिफ ब्राउन के सिद्धांत को संरचनात्मक प्रकार्यवाद कहा जाता है, जिसे बाद में पार्सन्स ने आगे बढ़ाया। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्राणीशास्त्री व्यवस्था में तीन प्रमुख समस्याएं होती हैं। प्रथम संरचना शास्त्र, द्वितीय शरीर शास्त्र, तृतीय उद्विकास। ये समस्याएं सामाजिक जीवन में घटित होती है। ब्राउन ने लिखा है कि प्रकार्य व योग है जो एक अंश या भाग की क्रिया को संपूर्ण करता है। किसी विशिष्ट सामाजिक रीति रिवाज कार्य व योग है जो वह अपनी क्रिया द्वारा संपूर्ण सामाजिक जीवन को देती है। उन्होंने प्रकार्यात्मक एकता पर विशेष बल दिया है। उनका मत है कि यदि प्रकार्यवाद का कुछ भी अर्थ होता है तो यह अवश्य है कि वह व्यक्तियों के सामाजिक जीवन को एक पूर्णता के रूप में प्रकार्यात्मक एकता के रूप में देखना,
जब समाज में प्रकार्यात्मक एकता होती है तो उसे यूनोमिया और एकता के अभाव की स्थिति को डायनामियो कहा जाता है। कुछ प्रमुख सामाजिक वैचारिक सिद्धांत को एक दृष्टि में हम देखते हैं। प्रत्यक्षवाद अगस्त काम्ट, सामाजिक डार्विनवाद हर्बर्ट स्पेंसर, प्राकृतिक प्रमाणन हर्बर्ट स्पेंसर, अधिजैविक उद्विकास हर्बर्ट स्पेंसर, अधिजैविक संस्कृति एएल क्रोवर, नव प्रत्यक्षवाद गिडिंग्स एम लुंडबर्ग, सामाजिक जीव विज्ञान सेंट साइमन, क्लिनिकल सोशियोलॉजी लुइस वर्थ, मास सोसाइटी अलेक्स जी टॉकविले, मेटा सोशियोलॉजी रॉबर्ट ब्रिस्टिट, डिस्कूलिंग सोसाइटी इवान इलिच, कल्चरल मेटरियलिज्म मार्विन हैरिस, साइबरनेटिक्स बेटसन, लेट मॉडर्निटी एंथनी गिडेंस, अस्तित्ववादी समाजशास्त्र किंकेगार्ड नीत्से हिडगर सार्त्रे, ग्लोबल सिटी सस्किया सासेन और ग्लोबल विलेज मार्शल मैकलुहान। आज का चैप्टर यहीं तक। अगले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा इमाइल दुर्खाइम 1858 टू 1970। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कॉमटेरिया नित्य निरंतर सोशियोलॉजी के बहुत ही मॉडिफाइड और प्योरीफाइड लेक्चर्स आपको प्रेजेंट कर रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इंपॉर्टेंट PDF होगी, इसको आप डाउनलोड करना ना भूलें। कॉमटेरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक लेक्चर्स को शेयर करते रहें। कॉमटेरिया का एकमात्र लक्ष्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। लेक्चर्स को शेयर करते रहें, चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉमटेरिया लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।